और अब देखिए आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए हम ये समझाते हैं कि अजोव स्टील प्लांट में आखिर क्या चल रहा है, इसके बारे में यूक्रेन के क्या क्या दावे हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अजोव स्टील पर जो फाइनल अटैक है और उसकी डेडलाइन डेट क्या है, वो है 9 मई की, जब विक्ट्री डे परेड शक्ति प्रदर्शन रूस करेगा पूरी दुनिया के सामने। देखिए रशियन आर्मी के अजोव स्टील प्लांट पर हमलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 9 मई विक्ट्री डे से पहले अजोव स्टील को जीतने का पूरा प्लान तैयार किया गया है रूस की सेना ओर से। अजोव स्टील जीतकर पुतिन को गिफ्ट करेगी रशियन आर्मी, ये यूक्रेन का बड़ा दावा है। मारियोपोल में 9 मई को विक्ट्री परेड निकालने वाला है रूस, बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, उस दौरान सैन्य प्रदर्शन होगा। मारियोपोल में अजोव स्टील यूक्रेन की सेना का आखिरी गढ़ है। अजोव स्टील प्लांट में छिपे नागरिक और यूक्रेनी सैनिक हैं और 71 दिन से अजोव स्टील में रूस यूक्रेन नामी की लगातार जंग चल रही है और अभी भी बताया जा रहा है कि यहां पर काफी तादाद में यूक्रेन के सैनिक और साथ ही जो यूक्रेन के आम नागरिक हैं वो छिपे हुए हैं और उन्हें निकालने की बार बार अपील इस बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ओर से भी की गई है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।